हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर ट्वेल्व अनुपात और समानुपात प्रश्नावली बारह पॉइंट तीन से क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए यदि सात मीटर कपड़े का मूल्य एक हज़ार चार सौ सत्तर रुपये हो तो पाँच मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए दिया गया है कि अगर सात मीटर कपड़े का मूल्य एक हज़ार चार सौ सत्तर रुपये है तो पाँच मीटर कपड़े का मूल्य बताइए कितना होगा तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे कि एक मीटर कपड़े का मूल्य कितना है तो देखिए सात मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है एक हज़ार चार सौ सत्तर रुपये तो एक मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा तो देखिए एक मीटर कपड़े का मूल्य कम होगा कम के लिए हम क्या करते हैं भाग तो एक हज़ार चार सौ सत्तर को हम भाग दे देंगे सात से एक हज़ार तो चार सौ सत्तर बटे में सात देखिए दोनों सात से कट रहे हैं सात एकम सात सात दूनी चौदह सात एकम सात और जीरो तो क्या आया दो सौ दस रुपये तो एक मीटर कपड़े का मूल्य कितना है दो सौ दस रुपये तो अब हमें पाँच मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है देखिए एक मीटर कपड़े का मूल्य दो सौ दस रुपये है तो पाँच मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा ज़्यादा होगा ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं गुणा तो दो सौ दस को गुणा कर देंगे पाँच से तो 210 सौ दस गुणा पाँच अब 210 सौ दस को पाँच से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा गुणा करने पर आएगा एक हज़ार पचास रुपये तो पाँच मीटर कपड़े का मूल्य कितना है एक हज़ार पचास रुपये अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए एकता दस दिन में तीन हज़ार रुपये अर्जित करती है अर्जित करती यानी कमाती है एकता दस दिन में तीन हज़ार रुपये कमाती है पूछा गया है कि तीस दिन में वह कितना अर्जित करेगी तो हमें पता नहीं कि तीस दिन में वो कितने रुपए कमाएगी तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एकता एक दिन में कितने रुपये कमाती है तो, तो देखिए एकता दस दिन में अर्जित करती है बराबर तीन हज़ार रुपये दिया गया है कि एकता दस दिन में तीन हज़ार रुपये कमाती है तो अब हम पता करेंगे कि एकता एक दिन में कितने रुपये अर्जित करती है तो एकता एक दिन में अर्जित करती है देखिए दस दिन में वो तीन हज़ार रुपये कमाती है तो एक दिन में वो कम कमाएंगे एक दिन की कमाई उसकी कम होगी और कम के लिए हम क्या करते हैं भाग तो तीन हज़ार को हम भाग दे देंगे दस से तीन हज़ार बटे में दस आ जाएगा तो एक ज़ीरो से एक जीरो कट गई कितना आया तीन सौ रुपये तो एकता एक दिन में कितने रुपए कमाती है तीन सौ रुपये अब हमें क्या पता करना है हमें पता करना है कि एकता तीस दिन में कितने रुपए कमाएगी तो इसीलिए एकता तीस दिन में अर्जित करेगी अब देखिए एकता तीस दिन में कितने रुपए अर्जित करेगी देखिए एक दिन में वो तीन सौ रुपये कमा रही है तो तीस दिन में वो ज़्यादा रुपये कमाएगी और ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं तो तीन सौ को गुणा कर देंगे तीस से तो तीन सौ को गुणा कर देंगे तीस से तीन सौ को तीन से गुणा करेंगे कितना आएगा नौ हजार रुपये तो एकता तीस दिन में कितने रुपए अर्जित करेगी नौ हजार रुपए यानी वो तीस दिन में नौ हजार रुपए कमाएगी अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए यदि पिछले तीन दिन में दो मिलीमीटर mm वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी सात दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है अब दिया गया है कि पिछले तीन दिन में दो सौ छिहत्तर मिलीमीटर वर्षा होती है तो पूछा गया है कि एक सप्ताह यानी सात दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी और यह मान लीजिए कि वर्षा उसी गति से हो रही है तो देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक दिन में कितनी वर्षा होती है तो देखिए दिया गया है कि तीन दिन में वर्षा होती है दो सौ छिहत्तर मिलीमीटर तो एक दिन में वर्षा होती है तो देखिए एक दिन में वर्षा कम होगी तीन दिन में कितनी हो रही है दो मिलीमीटर छिहत्तर तो एक दिन में वर्षा कितनी होगी कम होगी और एक कम के लिए हम क्या करते हैं भाग तो दो को हम भाग दे देंगे तीन से तो दो बटे में आ जाएगा तीन अब देखिए दोनों तीन से कट रहे हैं तीन एकम तीन तीन में सत्ताईस तीन दुनिया छः तो क्या आया बानवे मिलीमीटर तो एक दिन में कितनी वर्षा होती है बानवे मिलीमीटर अब हमें ये पता करना है कि एक सप्ताह यानी सात दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी तो सात दिन में वर्षा होगी तो देखिए एक दिन में बानवे मिलीमीटर वर्षा हो रही है तो सात दिन में वर्षा ज़्यादा होगी और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं गुणा तो बानवे को गुणा कर देंगे सात से तो बानवे गुणा सात तो देखिए बानवे को सात से गुणा करेंगे क्या आएगा छः सौ चवालीस तो सात दिन में कितनी वर्षा होगी छः सौ mm. चवालीस मिली अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है उन्होंने पूछा है कि सात दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी देखिए इन्होंने सेंटीमीटर में पूछा है हमसे और आंसर हमारे किस में आ रहा है छः सौ चवालीस मिली में आ रहा है तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखिए जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो दस से भाग देते हैं तो यहाँ छः सौ चवालीस मिली को सेंटीमीटर में बदलना है तो इसे दस से भाग दे देंगे तो छः सौ चवालीस पटे में आ जाएगा दस सेंटीमीटर अब देखिए बटे में दस है दस में एक जीरो है तो पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा तो हमने लिखा छः सौ चवालीस अब पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा तो क्या आया चौंसठ दशमलव चार सेंटीमीटर तो सात दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी चौंसठ दशमलव चार सेंटीमीटर तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री सोल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू